छत्तीसगढ़ में 5 फरवरी से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई थी, जिसे आज समय से 2 दिन पहले ही खत्म किया गया है। 17 दिन चली सदन की कार्रवाई में विपक्ष ने सत्ता पक्ष से सवाल पूछे और सरकार के तमाम मंत्रियों ने जवाब भी दिए। वहीं बजट सत्र को सच बेधड़क संवाददाता ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मुख्यमंत्री आज हमारे साथ मौजूद है, आज सदन की कार्रवाई खत्म हुई, उनसे चर्चा करते हैं। एक सवाल है, आज सदन की कार्रवाई खत्म हुई और सदन में भ्रष्टाचार को लेकर मुद्दे उठाए गए। देखिए, ये बजट सत्र लंबा चला है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में बजट सत्र संपन्न हुआ है। हमारा ये विधानसभा एकदम युवा था, आधे से ज्यादा सदस्य पहली बार चुन के आए थे और पहली बार कई विधायक बन के मंत्री भी बने, लेकिन जो दृश्य दिखा पूरे विधानसभा के दौरान, ऐसा लगा ही नहीं कि पहली बार मतलब सदस्य चुन के आए हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे मंत्री हो। मंत्रीगण भी बहुत अच्छा, उनका रिस्पांस रहा, बहुत अच्छे से प्रश्नों का जवाब दिए। हमारे विधायकगण भी अपने अपने क्षेत्र की समस्या को बहुत अच्छे से उठाए। कुल मिलाकर हमारा ये छत्तीसगढ़ का ये विधानसभा बहुत अच्छा रहा, जो कि छत्तीसगढ़ के विकास के लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। सर, कल सीएम हाउस में घुस गया था पिस्टल लेके, क्या लापरवाही है अधिकारों की? नहीं, लापरवाही नहीं है, वो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और एक बड़े फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक लैंडलॉर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो जैसे चंद्रशेखर आजाद हमेशा पिस्तौल रखते थे कमर में, वैसे ही उनकी भी आदत है, कमर में पिस्तौल रखते हैं, तो उसमें कोई वो बात नहीं है। आप आज दिल्ली जा रहे हैं? कल जा रहे हैं जी। तो हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से, इन्होंने कहा कि जो सीएम हाउस में कल पिस्टल लेकर एक व्यक्ति घुस गया था, उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो जो है उनकी परंपरा अनुसार वो पिस्टल पकड़े रहते हैं, ये कोई लापरवाही नहीं है। कैमरामैन के साथ मुकेश, कैमरामैन के साथ मैं चित्रा पटेल, सच बेधड़क, रायपुर।